हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ रहे थे। हम लोग यहाँ पे ब्लड का कॉम्पोजिशन देखे थे। देखिए, जो ब्लड होता है वो 55% तो फ्लूइड पार्ट होता है, दैट इज प्लाज्मा, एंड द 45% इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ब्लड सेल्स, है ना, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, ब्लड, प्लाज्मा, फ्लूइड पार्ट इज कॉल्ड प्लाज्मा, दैट कंस्टिट्यूट 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट्स दैट कंस्टिट्यूट 45%, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी इज ऑल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स, WBC also called leukocytes and platelets is also called thrombocytes। ये सारे ब्लड सेल्स है, ठीक है ना। देखिए, प्लाज्मा में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे मेनली क्या क्या होता है। वाटर होता है 92%, प्रोटीन्स होता है 6-8%, और यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ मिनरल्स होते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स भी प्रेजेंट रहता है। एक चीज है सीरम, सीरम क्या होता है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग प्रोटीन्स, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड सीरम। तो ये सारा कुछ हम लोग हमारा लास्ट वीडियो में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे आरबीसी, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, एरिथ्रोसाइट्स। इसका फंक्शन क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर है, कितना नंबर है हमारे बॉडी में, ये सारा कुछ आज हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है ना। देखिए, ये जो एरिथ्रोसाइट्स होता है, रेड ब्लड सेल, दे आर द मोस्ट अबुंडेंट, दे आर द मोस्ट अबुंडेंट ऑफ ऑल ब्लड सेल्स। इसका नंबर कितना होता है, एरिथ्रोसाइट्स का नंबर, एक हेल्दी एडल्ट मैन में, एक हेल्दी एडल्ट इंडिविजुअल्स में, दे कंस्टिट्यूट 5 to 5.5 million, 5 million to 5.5 million ऑफ आरबीसी पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड। दिस इज द नंबर ऑफ आरबीसी इन एन एडल्ट इंडिविजुअल। अगर हम लोग इसका शेप एंड स्ट्रक्चर का बात करें आरबीसी का, तो दे आर बाई कॉनकेव इन शेप, दे आर बाई कॉनकेव इन शेप, और इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, बाई कॉनकेव इन शेप विदाउट न्यूक्लियस। However, camel and llama, है ना, इनका जो RBC है, इनका जो red blood cell है वो होता है oval shape का, all those without nucleus, है ना, oval in shape, although without nucleus, एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स, है ना, इनमें सेल ऑर्गेनल्स में नहीं होते हैं। इसका शेप कैसा है आरबीसी का, दे आर बाई कॉनकेव इन शेप एंड विदाउट न्यूक्लियस। हाउएवर इन कैमल एंड लामा आरबीसीज आर ओवल इन शेप, ऑल दोज विदाउट न्यूक्लियस, ठीक है ना। इनका जो यूनिक स्ट्रक्चर है, ये शेप होता है, इसके इसका जो काम है ना, ब्लड को कैरी करना, उस पर डिपेंड करता है। देखिए, इनके पास अदर सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं है,
एज मिटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो एब्सेंट इन रेड ब्लड सेल दे रिस्पायर एनएरोबिकली दे रिस्पायर एनएरोबिकली एंड डू नॉट यूज एनी ऑक्सीजन दे कैरी। ठीक है ना, देखिए ये जो आरबीसी है इसमें मिटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है और भी सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है, तो ये जो भी ऑक्सीजन कैरी कर रहा है उसका थोड़ा भी यूज नहीं करता है। ठीक है ना, और क्या है आरबीसी में, एक इंजाइम्स होता है, आरबीसी कंटेन इंजाइम्स कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आरबीसीज में एक इंजाइम्स है कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है ना, इसके बाद है क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, कितना हीमोग्लोबिन होता है। सबसे पहले थोड़ा हीमोग्लोबिन के बारे में जान लीजिए, ये हीमोग्लोबिन क्या होता है। देखिए ये जो हीमोग्लोबिन है ये दो चीज से मिलकर बना है, एक तो इसका हीम पार्ट, इसका मतलब होता है आयरन, और ये ग्लोबिन पार्ट, ये प्रोटीन है ना, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन ये हीमोग्लोबिन होता है। इट इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इट इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ ब्लड। ठीक है ना, ये कलर प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड कलर टू द ब्लड, कौन सा कलर, रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। अब ये हमारा जो क्वेश्चन है, क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, कितना होता है हीमोग्लोबिन हमारे एक रेड ब्लड सेल में। तो देखिए एक हेल्दी इंडिविजुअल्स में, अ हेल्दी इंडिविजुअल कंटेन 12 टू 16 ग्राम ऑफ एवरी 100 ml, है ना, एन हेल्दी एडल्ट ह्यूमन कंटेन 12 टू 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। दिस इज द क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। ठीक है, देखिए ये जो आरबीसी है इसका फॉर्मेशन होता है एडल्ट इंडिविजुअल्स में बोन मैरो में, है ना, रेड बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है, रेड बोन मैरो, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी रेड बोन मैरो इन एडल्ट। ठीक है ना, एक एडल्ट इंडिविजुअल्स में कहाँ पे होता है आरबीसी का फॉर्मेशन, तो रेड बोन मैरो में। और फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोपोएसिस, क्या बोलते हैं इसको, एरिथ्रोपोएसिस, ये टर्म याद कर लीजिए, एरिथ्रोपोएसिस मीनिंग फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ठीक है ना, हीमोपोएसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को बोलते हैं हीमोपोएसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमोपोएसिस। इसका फंक्शन क्या है आरबीसी का,
देखिए आरबीसी का फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी गैसेस को कैरी करना, है ना, उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। कैसे करता है ये, वो हम लोग समझते हैं फंक्शन ऑफ आरबीसी। फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, क्या फंक्शन है रेड ब्लड सेल का, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। देखिए जैसे ही हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जाकर बाइंड करता है। हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि ब्लड में प्रेजेंट है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स रेड कलर इन ब्लड, ठीक है ना। ये क्या बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। ये हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन के साथ ये बाइंड करता है और बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ये कहां जाता है, टिश्यूज के पास जाता है। टिश्यूज के पास जाके वहां पे क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऑक्सीडेशन करता है फूड का, है ना। और फिर टिश्यूज को ये दे दिया ऑक्सीजन, अब ये टिश्यूज से वापस ले लेता है कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, है ना। ये जो हीमोग्लोबिन है ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और ये वापस कहाँ आ जाता है, एल्वियोलाई में आ जाता है। फिर हम लोग इनहेल कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये टिश्यूज है, ठीक है ना, ये बॉडी का टिश्यू है, ये लंग्स का पार्ट एल्वियोलाई है, ये टिश्यू है। हम लोग ऑक्सीजन इन लिए, यहाँ से फिर ये टिश्यूज में गया ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वापस के फिर क्या आया कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और ये वापस चला गया एल्वियोलाई में, ठीक है ना। तो ये आपका होता है फंक्शन ऑफ आरबीसी।